Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study में. So, दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 10 मिनट का जिसके अंदर 10-15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल है जो कि हम कवर अप करते हैं. उम्मीद है आप सुबह 5 बजे और दिन में और सुबह 8 बजे वाला जो सेशन है वो जरूर अटेंड करते होंगे और ये आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो कि देने वाला है. तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में. देखते हैं पहला क्वेश्चन था आपका कल का, मैंने जो आपको दिया था, निम्नलिखित में से किसने 1000वां फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है. तो किसने जीती है दोस्तों, मर्सिडीज टीम के जो प्लेयर है मर्सिडीज टीम के लुविस हैमिल्टन, उन्होंने जीती है. तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर था. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स थी जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने जीती है. निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल के रूप में पदोन्नत होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र अधिकारी थे. तो ये क्या थे, फर्स्ट और ओनली ऑफिसर थे जो कि इंडियन एयरफोर्स से प्रमोट होके मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने थे, वो कौन थे, अर्जन सिंह जी. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है दोस्तों, और जो कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे 1964 से 69 के बीच में. 2002 के अंदर ये एकमात्र इंडियन एयरफोर्स के वो बने जो कि 5-स्टार रैंक पे मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचे जो कि फील्ड मार्शल के बराबर होती है. यानी कि जो करियप्पा जी और जो मानेकशॉ जी को जो आर्मी में मिली है वही इक्वलेंट जो है, ठीक है, वही मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स किसके हो, अर्जन सिंह जी के बराबर, अर्जन सिंह जी को मिली है. ये भी ध्यान रखिएगा. अगला सवाल, भारत ने निर्भय का सफल परीक्षण किया, यह एक क्या है. तो निर्भय क्या है दोस्तों, निर्भय एक क्रूज मिसाइल है. ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. तो पूरी इंडिजिनियसली खुद के द्वारा डेवलप करी गई है, DRDO ने बनाई है इसको. सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, 0.7 मैक. एक मैक कितना होता है, 1100-1200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 1225-26 किलोमीटर पर आवर होता है. तो 0.7 मैक है जो कि इसकी स्पीड है. हाल ही में प्रदीप चौबे का निधन हो गया, वह कौन थे. तो प्रदीप चौबे कौन थे दोस्तों, ये बहुत ही एक फेमस कौन थे, कवि थे. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था. हिंदी पोयर प्रदीप चौबे जो है कार्डिक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हो गई जो कि काफ़ी हंसी हास्य कविता के रूप में, कवि के रूप में जाने जाते थे. आगे देखते हैं, तटीय आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए CMFRI निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ हाथ मिलाए हैं. तो CMFRI ने जो है हाथ मिलाया है कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ताकि वो क्या कर सके, कोस्टल जो हमारे वेटलैंड है ना उसको कंजर्व कर सके. तो ये दोस्तों ISRO के साथ में हाथ मिलाया है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CMFRI, उसने ISRO के साथ में हाथ मिलाया है ताकि हमारे तटीय एरिया की क्या कर सके, रक्षा कर सके और ध्यान रख सके. निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन किया गया है. वोटर पार्क जो है दोस्तों ये कहाँ बनाया गया है ये आपको बताना है. वोटर पार्क बनाया गया है दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, जहाँ पे वोटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, अवेयरनेस है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है. तो गुरुग्राम आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. अगला सवाल देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है. यूनेस्को के बारे में आपको बताना है. ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, पेरिस. पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है और 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ. और अभी हेड कौन है, ऑड्रे. ऑड्रे वो पर्सन है जो कि अभी इसके हेड है. फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो कई सारे फाउंडिंग मेंबर थे और इंडिया भी उनमें से एक मेंबर था जो कि फाउंडिंग मेंबर था. ठीक है दोस्तों, मेजर 5 प्रोग्राम के ऊपर यूनेस्को काम करता है, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन के ऊपर. ठीक है, इन सब को कंजर्व करके काम करने का इसका रोल निभाता है. आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये सब. सिंगापुर ओपन निम्नलिखित में से किसने जीता. तो सिंगापुर ओपन दोस्तों जीता है कैटो मोमोटा. मोमोटा ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है.
ओके आप देख सकते हैं बैडमिंटन ओपन है सिंगापुर का, इसने जीत लिया है और भारत के जो यहाँ पे कोई भी मेडल भारत को नहीं मिला है। आगे देखते हैं चौथा रेसिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 किस शहर में शुरू हुआ है। फोर्थ रेसिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस के बारे में आपको बताना है जो कि कहाँ पे नई दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है अक्सर कहाँ पे होती है, दिल्ली के अंदर ही होती है। निम्नलिखित में से कौन जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि आपकी कुलपति जो है वो कौन बनी है, पहली महिला कुलपति के बारे में आपको बताना है। इस यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो उसको एस्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश के टाइम पे। कहाँ पर है दोस्तों, अलीगढ़ के अंदर है पहली बात तो, और 1920 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, ओके, और जामिया का मतलब ही यूनिवर्सिटी होता है, मिलिया का मतलब होता है नेशनल। तो 1925 में इसको शिफ्ट किया गया था अलीगढ़ से न्यू दिल्ली के अंदर, और सबसे पहले अलीगढ़ में बनाया गया, फिर उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया, और 1935 के अंदर फाउंडेशन स्टोन रखा गया स्कूल बिल्डिंग का भी ओखला के अंदर, और इस तरीके से जो है इसकी स्टार्टअप जो है इसको स्टार्ट है जो कि किया गया। ठीक है, तो ये सब भी आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। नजमा अपेतुल्ला जो है करंट चांसलर यहाँ पे, ठीक है, बनी है नजमा अख्तर, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं 99 साल के अंदर पहली बार बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है। दोस्तों ये सारे थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दोस्तों सुबह 8 बजे वाला सेशन को जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।